नए पैकेट में पुराना बिस्किट। आज माइनिंग माफिया से मिलने की ना बात ना मिलने की बात करने वाले सीएम साहब ने अपने साथ में एक ऐसे मंत्री राणा गुरजीत को बिठा लिया जिन पर माइनिंग के माफिया के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे और इतने बड़े बड़े संगीन एलिगेशंस उन पर लगे कि पुराने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब भी उनका भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने भी 9 महीने बाद उनकी छुट्टी कर दी। लेकिन चन्नी साहब और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने गुरजीत साहब को, राणा गुरजीत साहब को ढूंढा और उन्हें वापस कैबिनेट में ले आए। तो सीएम साहब जो ये कहते हैं कि या चन्नी रहेगा या करप्शन रहेगा, उसका जवाब आज पंजाब को मिल गया कि करप्शन ही रहेगा। चन्नी साहब ने कहा कि माइनिंग माफिया मुझसे दूर रहे। आपने माइनिंग माफिया को दूर करने के बजाय अपनी साथ वाली कुर्सी पे बिठाकर उसका सत्कार किया। सिद्धू साहब जो पिछले कई महीने से बेचारे मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, इस बार भी उनका दा नहीं लगा, कुर्सी मिलते मिलते रह गई। सिद्धू साहब पिछले कई महीनों से बयान देते आए कि मैं माइनिंग माफिया खत्म कर दूंगा, मैं वट कर देंगा, माइनिंग माफिया को कॉलर से पकड़ के जेल में डालूंगा, ये 75-25 की पार्टनरशिप चलती है, मैं ये पार्टनरशिप बंद करूंगा। मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रेसिडेंट सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वो 75-25 की पार्टनरशिप आज 50-50 की पार्टनरशिप में बदल गई, जो आज माइनिंग माफिया आपके कमरे में बैठा आपका मंत्री बन गया। क्या ये सारी लड़ाइयां कुर्सी की लड़ाइयां थी या पंजाब को बचाने की लड़ाई थी, आज जिसका जवाब पंजाब की आवाम आपसे मांगती है। मैं सीधे तौर पे सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं कि राणा गुरजीत को मंत्रिमंडल में, पंजाब कैबिनेट में लिया गया, उनको जगह दी गई, उस पर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब का क्या स्टैंड है? जो शख्स ये कहता आया कि मैं माइनिंग माफिया के खिलाफ हूं, कैप्टन अमरिंदर 75-25 की पार्टनरशिप करता है माइनिंग का, सरगना को रक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है, मैं माइनिंग माफिया खत्म करना चाहता हूं, आज उस माइनिंग माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि राणा गुरजीत की कैबिनेट में इंडक्शन को लेकर आपका क्या स्टैंड है?